नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये लगभग जो खास तौर से दुबई में रहते हैं उनको तो सबको पता है। आपने देखा होगा, आप रास्ते में चल रहे हैं तो सड़क पे आपको स्टिकर मिलते हैं, उस पर नग्न टाइप की फ़ोटो लगी होती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, ये बॉडी मसाज से रिलेटेड देखे होंगे आपने, गाड़ी के शीशे पे लगे होते हैं। आप मकान के बाहर निकलोगे तो आपके मकान के बाहर स्टिकर पड़े मिलेंगे। रोड पे मैंने खुद ने देखा, बहुत ऐसे पड़े होते हैं, हज़ारों की संख्या में स्टिकर पड़े होते हैं। वो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे क्योंकि उनमें पुलिस ने कार्रवाई की है, काफ़ी लोगों को इसमें पकड़ा है, तो कहीं आप भी इसके धक्के न लग जाएं भाई। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों, यूएई में इनको क्या होता है, विजिटिंग कार्ड आपने देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड जैसा होता है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर, नग्न टाइप की फ़ोटो होती है, मालिश या फिर बॉडी मसाज से रिलेटेड उस पर विज्ञापन ऐड दिया हुआ होता है और वो यूँ ही डालते रहते हैं, लोग उठा लेते हैं उनको। तो उससे रिलेटेड बता दूं, यूएई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख स्टिकर, जी हाँ साथियों, 5 लाख जो विजिटर जो स्टिकर हैं उनको जब्त किया है, 250 मोबाइल नंबर जब्त किए हैं। जहाँ जी हाँ साथियों, क्योंकि स्टिकर के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सब कुछ फर्जी में चलता है, पूरा का पूरा सिम वगैरह फर्जी होती है, पूरा वो है एक तरह से, मान लीजिए अस्थाई होता है, थोड़े दिन के लिए काम में लेना है फिर उनको निकाल देना है। 5 लाख स्टिकर प्लस 250 मोबाइल सिम और मोबाइल जब्त किए गए हैं। शारजा पुलिस ने ये कार्रवाई की है, आर्थिक विभाग समन्वय में ये कार्रवाई की गई है। शारजा पुलिस में CID निदेशक ब्रिगेडियर अजील ने बताया, जी हाँ, ये स्टिकर और जो ये उनके पुलिस के पास सूचना गई होगी तभी तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई की है। बाकी दुबई में सबसे ज्यादा चलता है, शारजा में इतना नहीं होता, दुबई में सबसे ज्यादा ये चल रहा है। उन्होंने बताया कि घर के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर, गाड़ी के शीशों में लगे हुए होते हैं, रस्ते पे पड़े हुए होते हैं, इस तरह से ये एक तरह से गंदगी फैला रखी थी, तो इस सब पे कार्रवाई करते हुए इन सबको पकड़ा। इनके साथ में बता दूं 25 लोगों को भी पकड़ा गया। जी हाँ, जो लोग कौन थे, जो इलीगल तरीके से दुबई में रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ये 2 नंबर के काम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आगे बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी टाइम समय समय के, क्योंकि ऐसी गंदगी को मिटाना पुलिस का जिम्मेदारी भी बनती है, तो भाई वो भी दुबई जैसी मॉडर्न कंट्री में। तो आप इस चीज़ से, मेरा कहने का मोटिव इतना ही है कि आप इस चीज़ से ध्यान रखें। आवाज़ सुनी होगी आपने कि मूंग के साथ गुड़ न पिसा जाए, हमारे राजस्थान में बोल सकते हैं। तो भाई आप कहीं स्टिकर लेकर उनके आप उनके चुंगल में फंस जाओ तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि पूरा पूरा स्कैम है, फ्रॉड है, पैसा ठगने का एक तरीका है, इससे अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। बस जानकारी ये शेयर करनी थी, क्राइम से रिलेटेड थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।